वेलकम टू केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बेसिकली सीसी कपलिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले मैं ऑलरेडी हेक रिएक्शन, स्टीले कपलिंग एंड सोनागाछीरा रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो भी देखिए। वहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, ट्रिक्स एंड प्रॉब्लम के बारे में मैंने डिस्कस किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग सेस एंड इट एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग बेसिकली सुजुकी कपलिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग सेस एंड इट एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो रिएक्शन है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, एक हम लोग हैलाइड यूज करते हैं एंड दिस आर कैन बी योर एराइल और विनाइल, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड देन दिस इज हैलाइड प्लस जो कपलिंग पार्टनर हम लोग यूज करते हैं दैट इज योर बोरोनिक एसिड। तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोनिक एसिड। Now, in presence of palladium as a catalyst, right? And हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बेस एंड हीटिंग नाइट्रोजन एनवायरमेंट और एयर वट एवर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज योर आर आर डैश। सो दिस आर डैश कैन बी योर एराइल और विनाइल। तो यहाँ पे देखो, जो हम लोग ये बोरोनिक एसिड यूज करें, इंस्टेड ऑफ बोरोनिक एसिड हम लोग और भी एस्टर यूज कर सकते हैं, बोरोनेट एस्टर, लाइक दिस टाइप ऑफ, ठीक है। और दिस आर डैश कैन बी योर एराइल और विनाइल, राइट। तो इसका जो बेसिक मेकेनिज्म होता है, देखो यहाँ पे कपलिंग पार्टनर क्या हो रहा है, एक बोरोन कॉम्प्लेक्स, राइट, जो बोरोन कॉम्पाउंड है वही जाके इसके साथ कपलिंग कर रहे हैं अभी। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हैलाइड एंड जो बोरोन कंपाउंड है उसके साथ कपलिंग कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट बेस, ये कपलिंग हो रहा है। एंड दिस बोरोन जो कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं दैट कैन बी बोरोनिक एसिड और एनी एस्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसका जो मेकेनिज्म है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वो सिमिलर टू स्टीले कपलिंग एज वेल एज सोनागाछीरा कपलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले हम लोग पैलेडियम जीरो कॉम्प्लेक्स को लेते हैं, राइट। दिस कैटलिस्ट इज द एक्टिव कैटलिस्ट, 14 इलेक्ट्रॉन। तो वो किसके साथ करेगा, ये जो हैलाइड पार्ट है आर एक्स, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, देन आर पैलेडियम एल टू एक्स प्लस टू, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसमेटलेशन में क्या होता है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बोरोनिक एसिड होता है ना, बोरोनिक एसिड से वो क्या करता है, बेसिकली जो हम लोग बेस यूज करते हैं ना, बी ओइज ओइज, अभी देखो इसका क्या है ना, दिस इज द काइंड ऑफ प्लानर सिस्टम जहां पे यहाँ पे एक लोब है, राइट। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बेस यूज करेंगे लेट्स से ओइज माइनस, तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, बी माइनस हो जाएगा। Now, जब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा, देन ये बोरोन जो पार्ट है, जो दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी एराइल और विनाइल, जो बोरोन जो पार्ट है टेट्राहेड्रल, वो अभी रिएक्टिव हो जाता है, जो बेसिकली ये ट्रांसमेटलेशन स्टेप में अभी ये पार्ट रिएक्ट करता है, नॉट दिस पार्ट। तो इसलिए हम लोग जब बेस यूज करते हैं तो बेसिकली वो बेस क्या करते हैं, ये बोरोन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड देन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट करते हैं, जो बेसिकली रिएक्टिव होता है टुवर्ड ट्रांसमेटलेशन, राइट। वही जाके अभी यही ट्रांसमेटलेशन स्टेप में पार्टिसिपेट करता है, आर डैश बी ओइज। सो दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। हम लोग डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे बेस यूज करना पड़ता है, जो बेसिकली इससे रिएक्ट करते हैं, टेटर इंटरमीडिएट जेंट करते हैं, जो अभी ट्रांसमेटलेशन स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा, पैलेडियम एल टू एंड देन यहाँ पे आर डैश, और यहाँ से क्या निकल रहा है, एक्स बी माइनस ओइज वट एवर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिमिलरली रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, ये कपलिंग हो गया एंड दिस इज योर रिडक्टिव एलिमिनेशन, ओके। तो ये क्लियर हो गया, दिस इज 16 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, पैलेडियम 2 से पैलेडियम 0 हो रहा है, तो ये बेसिकली रिडक्शन हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक मेकेनिज्म ऑफ दिस सुजुकी रिएक्शन, जहां पे हम लोग कोई एराइल और विनाइल हैलाइड एंड हम लोग कोई बोरोन पार्ट को यूज कर रहे,
जिसके अंदर हम लोग कापलिंग करके ये पार्ट जनरेट करें, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक प्रॉब्लम्स। तो अगर हम लोग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, एक ब्रोमीन है, एक OTF है। तो मैंने बताया था जब हम लोग सुजुकी रिएक्शन डिस्कस करते हैं तो बेसिकली ये ब्रोमीन पार्ट से रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्ट नहीं करता है। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कहाँ से होगा, ब्रोमीन से कापलिंग होगा। OTF जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके साथ बोरोनिक एसिड क्या होगा, अभी यहाँ पे पैलाडियम है, लेट से कोई बेस है PPH3O4, ठीक है, एंड व्हाटएवर इज देयर। तो अगर हम लोग ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके कापलिंग होगा, ये कार्बन के साथ ये कार्बन का कापलिंग हो गया, राइट। देखो सेम क्लियर हो गया, दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है ये CSI नेट में आया था, ठीक है। इसका देखो ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, एक एल्काइन दिया है, राइट, दिस इज एल्काइन, सिंपल एल्काइन। उसके बाद देखो एक दिस इज काइंड ऑफ बोरोन कॉम्पाउंड, बोरोन हाइड्राइड। तो बोरोन हाइड्राइड क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन होता है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे करके लिखेंगे, देखो एन ब्यूटाइल, इसका एडिशन कैसे होगा, डेफिनेटली ऐसे करके होगा, राइट, काइंड ऑफ दिस वे ऐसे करके एडिशन होगा, क्योंकि ये जो बिग ग्रुप है वो टर्मिनल साइड में जाएगा। तो ये जो एडिशन हो रहा है वो देखो सीन फैशन से हो रहा है, दैट मींस आफ्टर ये जो एडिशन होगा लाइक दिस वे, अगर हम लोग ऐसे करके हम लोग सोचेंगे तो देखो एन बी यू और जो बेंजाइल है, ब्यूटाइल ग्रुप है, सॉरी ब्यूटाइल, दिस इज ब्यूटाइल, सो दिस हाइड्रोजन इज दिस हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड जेड कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसका जो हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज योर दिस हाइड्रोजन एंड दिस योर बोरोन पार्ट, क्लियर हो गया, ठीक है। देन वाटर, उसके बाद वाटर ऐड करें। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, उसके बाद बोरोनिक एसिड जेनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, दिस पार्ट। नाउ यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ब्रोमीन है, मैंने ऑलरेडी बताया था ये जो कपलिंग पार्टनर होते हैं वो विनाइल भी हो सकते हैं, एराइल भी हो सकते हैं। तो इसके साथ अगर हम लोग ब्रोमीन डबल बॉन्ड इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो कार्बन और ये जो बोरोनिक एसिड और ये जो ब्रोमीन, इसके अंदर कपलिंग होगा। तो कैसे होगा कपलिंग, एन बी यू डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन और ये जो कार्बन, ऐसे करके कपलिंग होगा, डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव CH3, राइट। सो दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे हम लोग KVG करें, जो बेसिकली इसके साथ सिमिलर, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये बेसिकली OH बाइंड इसके साथ ऐड करके टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ऐड करेगा, टेट्राहेड्रल जो बोरोनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जाके अभी ट्रांसमेटलेशन करेगा। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम इधर जाके पूरा अटैच हो गया, ऐसा नहीं कि ये ऐसा नहीं होता है, डबल बॉन्ड मिथाइल इधर नहीं जाएगा, दैट मीन्स वो चेंज हो जाएगा एंड दिस इज नॉट द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस सुजुकी रिएक्शन, ये जब कपलिंग होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, ओके। नाउ दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया बी, एंड व्हाट इज योर ए, दिस इज योर ए, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे ऐसा एक डबल बॉन्ड है, फर्स्ट स्टेप में है 9-BBN, 9-BBN क्या होता है, दिस इज समथिंग अ बाइसाइक्लिक रिंग, राइट, काइंड ऑफ दिस, इसको हम लोग 9-BBN बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके लिखते हैं, राइट। तो ये 9-BBN है, सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन बोरोन का एडिशन होगा, कैसे होगा, जो बोरोन पार्ट है वो इस तरह से एडिशन होगा, जो बिग पार्ट है वो टर्मिनल पोजिशन में जाएगा। तो जब एडिशन होगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के इधर हाइड्रोजन आया, दिस हाइड्रोजन एंड यहाँ पे आ जाएगा बोरोन, क्लियर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 CO2 CH3। तो ये बन गया फर्स्ट स्टेप में। अभी सेकेंड स्टेप में क्या है, पैलाडियम, उसके बाद व्हाटएवर इज देयर। नाउ पैलाडियम सब लिगैंड है, यहाँ पे लिगैंड बेस सॉल्वेंट है। अभी ये देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एंड देन आयोडीन पार्ट है, राइट, दिस इज योर विनाइल,
विनाइल कार्बन के साथ एक आयोडीन है, तो क्या करेगा इसके साथ पैलेडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। तो ऑक्सीडेशन एडिशन कैसे होगा, ऐसे होगा पैलेडियम लिगेंड टू एंड देन आयोडीन, दिस इज प्लस टू राइट, एंड दिस इज योर ओ। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, डाइमिथाइल टार्टबीटल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, सॉरी टार्टबीटल टार्टबीटल डाइमिथाइल सिलाइल, इसके साथ जस्ट प्रोटेक्शन है, डबल बॉन्ड है। अभी क्या होगा, वेरी सिंपल, अभी देखो ये जो पार्ट है इसके साथ इसका कपलिंग होगा, तो क्या होगा देखो यहाँ पे इसके साथ सिंपल इसका कपलिंग होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट ओ टी बी डी एम एस सी एल जो भी है, एंड जो कपलिंग पार्ट है वो ऐसा रहेगा CO2 CH3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर हो गया, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर, सिंपल कपलिंग रिएक्शन। नाउ ये जो रिएक्शन है देखो यहाँ पे सिंपल पार्ट है, कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो दिस इज अ एक्सेप्शन एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ ये जो क्वेश्चन है ये भी नेट में आया था, तो इसका देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, दिस इज योर डबल एराइल हैलाइड, ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एक बोरोनेट एस्टर पार्ट है एंड यहाँ पे पैलेडियम कैटलिस्ट एंड इनवेज है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये जो पार्ट है पैलेडियम, ये क्या करेगा बेंजीन के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, आयोडीन डबल ये प्लस टू हो गया, एनएच सीओ सी एच थ्री होगा, एंड ये ओएच माइनस क्या करेगा इसके साथ ऐसे करके टेटर इंटरमीडिएट करेगा, जो बेसिकली ट्रांसमेटलेशन के लिए हेल्प करेगा। तो जब वो होगा ट्रांसमेटलेशन, तो क्या होगा, दिस विल बी योर डबल बॉन्ड सी एच थ्री एंड ओ ई टी, ठीक है, एन एच सी ओ सी एच थ्री, क्लियर हो गया, ओके, नाउ दैट विल बी योर ए राइट। अगर ये ए है उसके बाद देखो क्या है, एसिडिफाई। अच्छा एसिडिफाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट देखो ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज वेरी वेरी रिएक्टिव इन द एसिडिक मीडियम। अगर हम लोग एसिडिक मीडियम करेंगे तो ये डेफिनेटली प्रोटोनेटेड हो जाएगा फर्स्ट में, तो क्या होगा बेंजीन, दिस इज योर मिथाइल, तो ये ऐसे जाके ओ ई टी प्लस जेनरेट करेगा एन एच सी ओ सी एच थ्री। तो एसिड मीडियम में वाटर जाके क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ऐसे होगा सी एच थ्री ओ ई टी एंड ओ एच। सो एसिड मीडियम में अगेन ये पोटेंट हो जाएगा, यू कैन राइट माइनस प्लस एच प्लस, तो यहाँ पे जो ओ एच टू प्लस जेनरेट हो रहा था वहां से एक प्रोटोन इधर शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद कुछ इस तरह से दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये रिमूव हो जाएगा राइट। तो क्या जेनरेट होगा बेंजीन सी एच थ्री दिस। तो अभी नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये जाके यहां से साइक्लाइज करेगा, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव मेंबर रिंग जेनरेट कर रहे तो डेफिनेटली साइक्लाइज करेगा। तो जब साइक्लाइज करेगा तो क्या होगा एन सी ओ सी एच थ्री, यहाँ का जो प्रोटोन है वो इधर जाके ओइज हो गया राइट, यहाँ पे जो प्रोटोन जेनरेट हो रहा था ना वो जाके इधर ऐसे जाएगा और यहाँ पे जो ओ माइनस था वो इस प्रोटोन को ले लेगा, तो डेफिनेटली ओइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वी कैन राइट लाइक दिस वे और वी कैन राइट लाइक दिस वे, ये ऐसा होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है उसको रीएरोमेटाइज कर देगा एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट, अच्छा दिस विल बी सी ओ सी एच थ्री सॉरी राइट, सो दिस विल बी बेंजीन सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी सी एस आई नेट में आया था। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, सो दैट विल बी योर बी एंड दैट इज योर ए। सो अंडर एसिडिक कंडीशन क्या होगा, ये जो पार्ट है ये बहुत ही रिएक्टिव होता है राइट, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है टुवर्ड एसिड कंडीशन, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे कार्बोनिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा एंड देन जब नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डेफिनेटली साइक्लाइज करेगा क्योंकि फाइव मेंबर रिंग जेनरेट कर रहा है, उसके बाद ये रीएरोमेटाइज करके ये प्रोडक्ट जेनरेट करेगा। ठीक है, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर।
तो फॉर दिस केमिस्ट्री यू कैन फॉलो कैरुथर एज वेल एज क्लेरिन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो